सकती है। जी जी हेलो, मैं अजय कुमार शालू म्यूजिक में सेल्समैन हूँ। जो भी इंडस्ट्री का मेन मेन जो म्यूजिक डायरेक्टर्स लोग हैं, जैसे हम लोग का पूरा रोमांस से लेकी पूरा विशाल शेखर सलीम सिनेमा जो भी है, बहुत सारे हमारा इंडस्ट्री का पूरा आदमी लोग हमारे से डायरेक्ट है। हमारे साथ गड़बड़ हुआ है, मेरा बैग वही दुकान में जहाँ परचेस मैंने कीबोर्ड किया वहाँ रहेगा। नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, जो मेरा ऑर्गन E09 रोलैंड लेने के लिए। हम बॉम्बे रोड पे एक बीच में ही एक दत्त होटल करके हैं, वहाँ एक हमें थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेना था इसलिए रुके हैं। ये रहा दत्त होटल का नज़ारा। पहले से दो कीबोर्ड है, एक्चुअल में 860IN करके कैसियो का है और एक दूसरा हारमोनियम भी है। फिर भी मेरे को लगा कि एक कमर्शियल कीबोर्ड लेना चाहिए। इसी सिलसिले में आज मैं मुंबई आया था और हम अभी हाईकोर्ट एरिया में है अभी बॉम्बे के, और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड ये है दो एडवोकेट, उनके साथ मैं आया हूँ पूना से। अभी इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे जो शालू म्यूजिक है, वहाँ पे हम जाने वाले अभी हमारा रोल एंड खरीदने के लिए। अभी हमने हाई कोर्ट से लेके यहाँ तक का वॉकिंग डिस्टेंस जो 20 मिनट का था वो निकाल के मैं अभी पहुँचा हूँ शालू म्यूजिक, जो बराबर स्टेशन जो है जिसको VT स्टेशन कहा जाता है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं VT स्टेशन है। VT स्टेशन के बराबर सामने मैकडोनाल्ड है, वहाँ पे ये सारा है और वहाँ आपको दूसरे भी ऑर्गन जैसे ये शालू म्यूजिक भी है और कुछ एम्पायर म्यूजिक करके भी है, ये भी आपको देखने को मिले। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है वो, इनके पास हर एक मॉडल आपको अवेलेबल होगा। जो शालू म्यूजिक में जो आदमी है जिससे मैं दो चार बार मिला था फोन पे बातचीत करता हूँ, जो मेरे को रोलैंड E09 करके मॉडल लेना था, इसके सिलसिले में मैं यहाँ रोलैंड के सिलसिले में दुकान के अंदर हूँ। आगे बातचीत हुई है, आप एक्सेसरी देख सकते हो उनका जितना भी है, पूरा एक्सेसरी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत पहले आता जी जी वहाँ चैप्टर वही है ना, ओरिजिनल हाँ रखा वही, क्योंकि अमेजोन भी अमेजोन में अगर मंगाते तो सारा नहीं है, आपको पता है क्या है, हम मालूम है वो 50 बार ओपन रहते हैं, इसलिए हमारा यहाँ से जाता है आपके यहाँ से।
अजय सर ने मेरे को स्पेशल डिस्काउंट दे के एक घंटे से मैं मेरा जितना भी क्यूरी था वो सारा निकाल बाहर करके यहाँ मेरा भाई आता था पहले, मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ सीएसटी स्टेशन में, मैं बहुत बार आ चुका हूँ, इनका जाना माना शॉप है। वैसे मैं इनका नाम कम से कम 20 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैकडोनल्ड की यहाँ आया था। तो अजय सर से इस दुकान के बारे में जो इंट्रोडक्शन है या एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर, इसका सारा का ब्यौरा आपके लिए मैं पेश करूँ। हेलो, मैं अजय भोगनाथ, शालू म्यूजिक में सेल्स मैन है। हमारे पास देखो इतना दूर से आज कस्टमर आते हैं, हमारा एक ट्रस्ट है हमारे ऊपर, उन लोगों को अच्छा सा विश्वास है और हम लोग भी ऐसी ही चीज़ देते हैं उसको एकदम अच्छा वाला देता है। इसके लिए इतना दूर से भी हमारे से लेने के लिए प्रोडक्ट आते हैं। हम लोग कीबोर्ड में, गिटार है और स्टूडियो इक्विपमेंट्स है और बड़े बड़े पियानो से हमारे पास सब कुछ है हमारे पास, और रिजनेबल प्राइस में, जैसे अमेजोन जैसे इतना बड़ा कंपनी है उससे हम लोग अच्छा प्राइस में माल देते हैं लोगों को, और डिस्काउंट उससे जो मार्केट प्राइस है भी 1000-2000 कंपनी में हम देता है, ये विश्वास से भी। और हम लोग है ना एकदम ब्रांड न्यू पीस, सील्ड पीस देता है, कस्टमर के सामने खुलता है वो, इसलिए वो लोग बहुत अच्छा हैप्पी रहते हैं। और प्रोडक्ट भी नया न्यू स्टॉक रहता है, ओल्ड स्टॉक हमारे पास रहता नहीं है, क्योंकि माल में हमारे पास पूरा रनिंग होता है प्रोडक्ट, जैसे माल आ जाता है 1-2 महीने में पूरा कटिंग हो जाता है, इसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। और प्राइस भी हम लोग रिजनेबल प्राइस में माल देते हैं, और बच्चे लोगों को सीखने के लिए भी नया नया कीबोर्ड आता है, छोटा छोटा कीबोर्ड, वो हारमोनियम के बदले अभी कीबोर्ड में से हारमोनियम साउंड भी आ गया है, इसके लिए इजीली है, यूज़ करने को भी अच्छा है, स्टॉक नहीं रखते हैं, सामने इंक्वायरी आएगा तो हम लोग सामने से मंगा के अच्छा डिस्काउंट करके दे देते हैं। और कौन सी कंपनी की डीलरशिप आपके पास? हमारे पास सारा रोनन का है, यमाहा है, केशियो है, और जो स्टूडियो का सामान है जो फोकस राइट है, आर्टूरिया है, और ओडी एंड है, मोटू है, जो भी इंडस्ट्री का मेन जो म्यूजिक डायरेक्टर्स लोग हैं, जैसा हम लोग का पूरा रोमान से लेके पूरा विशाल शैलर, सलीम सलीमा, जो भी है बहुत सारे हमारा इंडस्ट्री का पूरा आदमी लोग हमारे से डायरेक्ट लेता है, और बड़े स्टूडियो हम लोग सेटअप भी करके देता है, सब कुछ अच्छा से करके देता है। ये बिजनेस के लिए छोटा कीबोर्ड रहता है हमारे पास, और बैंजो बजाता है, बैंजो भी हम लोग अरेंज करके देता है, अपना इंजन कवाली बैंजो है वो भी हम लोग देता है। तो छोटा बच्चों के लिए छोटा कीबोर्ड आता है जो ऐसे केशियो में आता है, और यमा में भी अभी नया कीबोर्ड निकला है F52 करके, 7000 रुपये में बहुत अच्छा रिजनेबल प्राइस में मिलता है पूरा, उसमें हारमोनियम तबला रिदम सब रहता है। जैसे इधर मुंबई में दो जगह है, एक CST के एकदम सामने मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट है, उसके बाजू में महिंद्रा चैम्बर नाम है, शॉप नंबर 16 ग्राउंड फ्लोर में ही है। दूसरा है कि आपको बांद्रा में लिंकिंग रोड पे है, बांद्रा लिंक स्क्वायर करके है, लिंक स्क्वायर का 2nd फ्लोर में शालू म्यूजिक करके। हमारा खाली 3 जगह है, एक बांद्रा, एक मुंबई में 2 शॉप, और कोई हमारा ब्रांच नहीं है, और कोई बोलता है ऐसा है करके, हम लोग का है ही नहीं, हम लोग का मुंबई में ही है और किधर भी नहीं। वो बताओ, हमारा दुकान फुल डे चालू होता है, खाली संडे के दिन थोड़ा लेट 11 to 8:30 तक है, अदरवाइज पूरा दिन 10 बजे से रात को 9 बजे तक चालू रहता है। कोई हॉलीडे रहेगा तो भी हम लोग हॉलीडे नहीं करते, दुकान खुलता है, खाली वर्कर थोड़ा कम रहेगा, अदरवाइज दुकान थोड़ा सा हमारे साथ गड़बड़ हुआ है, मेरा बैग वही दुकान में जहाँ परचेस मैंने कीबोर्ड किया वहाँ रह गया, उसका फ़ोन आया था, तो मैं इधर हाई कोर्ट के बाजू से टैक्सी करके जा रहा हूँ वहाँ, और यहाँ 10-20 मिनट में पहुँचूंगा, तो उसने मेरे को फ़ोन कर दिया था कि मैं उधर आके बैग चाय पी के। मुंबई ऐसी नगरी है ना, बराबर उसने फोन किया, एड्रेस पता रहता है, एड्रेस पता था, बिल है उसका ना पूरा, कोई अगर इंसान का एड्रेस पता रहता है सामने वाला अपना उनको कह देता है, ऐसा बुलकड़ वाला नहीं था वो, घर वाला आदमी है, बार बार आते हम वहाँ, तो ऐसे नहीं कर सकता। डिक्की में भरा है रोलैंड, उसका स्टैंड और उसका बैग, ये सारा लेके आया हूँ मैं अभी। एक जब मैं वहाँ उस शॉप में गया था, मेरा बैग भूल गया था, लेकिन अच्छा आदमी होने के कारण उसने मेरा बैग दे दिया वापस। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो जो टावर है बॉम्बे, इसका जो विद्यापीठ है, विद्यापीठ का टावर है, उसकी जो घड़ी लगी है उसका आवाज़ आपको सुना, जो मैंने रोलैंड का कीबोर्ड लिया था इसके सिलसिले में
मेरे एक दोस्त और एकदम जाने माने दोस्त जिनका बेंजो का काम है वो मेरे पास आए थे, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को दो की एक की दबाने का सारा बताया था। लगा कि मेरा जो की स्ट्रोक या की स्पीड है ये बढ़ने के बाद ये थोड़ा सा मेरे को आड़ते का लगने लगा, इसलिए मैंने दो तीन महीने पहले जो बॉम्बे का अपने जो शालू म्यूजिक करके है ये उन्होंने ही रिकमेंड किया था, विजिट की जब मैं रशिया से वापस आया। मैंने रोलैंड लिया है, उसका सारा जो प्रेयर का काम है आप देख ही सकते हैं हमारी इंडियन कम्युनिटी में, अगर कहीं नया चीज कोई लाता है तो कम से कम नारियल, उसके लिए हल्दी, जो भी है जो प्रेयर का काम है और जो भी मीठापन जो होता है हमारा जो भगवान है इसके लिए उद्घाटन करने के लिए यहाँ आए, इसका ही मैं सारा ब्यौरा आपको दे रहा हूँ। करेंगे ये है ढोलक जो मैंने मंगाया था यूपी से, एक्चुअल में वो वहाँ का जो शॉप है उससे मेरी बातचीत चल रही थी 10-15 दिन से, जो मैंने आपको रोलैंड E09 का भी अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको मिलेगा। ये दूसरा जो है मेरा इंस्ट्रूमेंट, ये मेरे को लगा कि ये बजाना सीखना आना चाहिए इसलिए मैंने मंगाया था, ये मेरे को आम की लकड़ी का उन्होंने भेजा है, इन्होंने जिस टाइप का पैकिंग किया है पैकिंग एकदम घटिया था, अंदर देख सकते हैं ये जो बक्सा है उसके अंदर सिरप इससे उन्होंने दिया है करके, बाकी कुछ नहीं दिया है, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे उसमें, तो इसको भी हम पूरा निकाल लेते हैं क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ये रहा मेरा ढोलक, ये उन्होंने मेरे को भेजा था।